Hello and welcome friends. Today we are going to learn how to use attachment data type. So let's start this video. First of all, here is some records I have. यहाँ पे हमारे पास कुछ records पड़े हुए हैं, जहाँ पे मैं एक records इसमें और enter कर देता हूँ. यहाँ पर जब आप data type choose करेंगे, तो data type choose करते समय आपको attachment यहाँ पे रखना है इस वाले column में. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको data type attachment रखना है. ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ बस्ती, ये जगह का नाम है. अब यहाँ पर हर अटैचमेंट डेटा टाइप में एक एक फ़ोटो हमें लेनी है, तो क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐड कराएंगे, और आपके कंप्यूटर में जहाँ कहीं भी वो फ़ोटो मौजूद होगा, जैसे मैं कोई भी फ़ोटो एग्जांपल के लिए यहाँ पे लगा दूँगा, और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हम ये रिकॉर्ड बिल्ड कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर आ गए हम. जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये फ़ोटो हमने ले लिया. ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, अब ये पहला हो गया. अब ये सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे हम, और फिर ऐड कराएंगे यहाँ से, और जहाँ कहीं भी फ़ोटो मौजूद होगी, जैसे ये फ़ोटो ले लिया हमने इस बार. ठीक है, थर्ड वाले पे आएंगे और यहाँ पर चूज करेंगे यहाँ से, जैसे ये फ़ोटो है, इस पर क्लिक कर दिया हमने, ये ले लिया. ये फोर्थ फ़ोटो है, यहाँ पर ऐड पर क्लिक कीजिए आप, और यहाँ पर इसको ले लीजिए, ओके करिए. फिफ्थ वाले पे आइए, फिर ऐड कीजिए, और अब की बार दूसरा फ़ोटो हम लेंगे, जैसे ये फ़ोटो है या फिर कोई ये वाली फ़ोटो है, इसको ले लिया हमने, ओके कर दिया, तो ये हो गया. और फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे आएंगे, तो ऐड पे क्लिक करेंगे, और ऐड पे क्लिक करने के बाद अब जो फ़ोटो आगे नेक्स्ट होगी उसको ले लेंगे यहाँ से. जैसे सपोज कीजिए ये वाला फ़ोटो है, तो इसको ले लिया हमने, ओके किया. यहाँ पर आएंगे तो डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिर से ऐड करेंगे, और जो भी फ़ोटो हमारे पास मौजूद होगी उसको उठा लेंगे यहाँ से, ओके प्रेस करेंगे. यहाँ पे देखिए ये हमारा रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है. अब हम चलेंगे कहाँ, फॉर्म पर. तो यहाँ से हम जा सकते हैं मोर फॉर्म पर. ठीक है, मोर फॉर्म पे जा करके आपको जाना है फॉर्म विजार्ड में, और यहाँ पे सभी को ऐड करा लीजिए. नेक्स्ट पे क्लिक करिए. आपको डेटा किस फॉर्म में चाहिए, कॉलमर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, जैसे भी आपको डेटा चाहिए यहाँ पर ले सकते हैं. मैं टेबुलर फॉर्म रखता हूँ. नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और फिनिश पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से नाम के आगे फ़ोटो बन करके आ रही है. आप यहाँ पे देखिए, जैसे ये अमित नाम है, तो अमित कहाँ के रहने वाले, देवरिया के, और इनकी फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगी. सुमित हैं, तो सुमित की फ़ोटो यहाँ पर आ गई. ठीक है, सचिन है, तो सचिन की फ़ोटो यहाँ पर हो गई. इस तरह से यूज़ करेंगे हम अटैचमेंट डेटा टाइप. आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो भी मैंने फ़ोटो लगाया हुआ है, ये सब कुछ यहाँ शो हो रहा है. ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा और भी कुछ लिखना है, जैसे ठीक है, जब हम चूज करते हैं यहाँ पे आके, यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में जब हम आते हैं, तो यहीं पर हमें अपडेट कर देना होगा. ठीक है, यहाँ फॉर्म व्यू में हम हैं अभी, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई अटैचमेंट नहीं लगा हुआ है. यहाँ पे अटैचमेंट जब हम लगाएंगे, तो अभी ये अटैचमेंट हम नहीं लगा पाएंगे. देखिए, अगर मैं इसको ओके करता हूँ, तो ये कुड नॉट अपडेट, करेंटली लॉग्ड बाई अनदर सेशन ऑन दिस मशीन. ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्लिक करते हैं और देखते हैं, और कोई फ़ोटो हो तो उसको चूज करेंगे हम. यहाँ गूगल वाली फ़ोटो चूज करते हैं, ये यहाँ से नहीं लग पाएगा. तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि किस प्रकार से हम ये अपडेट कर रहे हैं यहाँ पे, किस प्रकार से हम ये फ़ोटो लगा पा रहे हैं. और वीडियो अच्छी लगे तो इसको खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.